सबसे पहले तो निर्वाचन पर आपको बहुत बहुत बधाई और आज तक का निमंत्रण स्वीकार करने के लिए धन्यवाद आपका। आपके क्षेत्र के लिए आपके ऐसे तीन कौन से काम होंगे जो आप करेंगे? आज तक के सभी दर्शकों को पहले मेरा नमस्कार और आपने मुझे बुलाया इसके लिए धन्यवाद। मेरे क्षेत्र में जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो है शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार। हम जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ पे किसानी एक प्रमुख व्यवसाय है और किसानी के लिए पानी की बड़ी आवश्यकता है, तो मैं सबसे ज़्यादा फोकस करूँगा कि मैं हमारे क्षेत्र में कृषि के लिए पानी, पीने के लिए पानी, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज उपलब्ध करवाऊँ, ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी। नबोर जी, बजट आ रहा है जी, तो अभी तो सबसे बड़ा यही है, अपने क्षेत्र के लिए कोई आपकी उम्मीद बजट? देखिए, हमारे क्षेत्र में तीन बड़ी बड़ी रेल परियोजनाओं का निर्माण कार्य चल रहा है, तो हम सबसे ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि हमारी रेल परियोजनाओं के लिए पर्याप्त बजट मिले ताकि वो समय सीमा में पूर्ण हो सके। ये हमारे क्षेत्र की बड़ी लंबे समय की मांगें रही है। कैसे आप देखते हैं न्यू इंडिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है उसमें अपना योगदान? मैं मेरे क्षेत्र में सभी के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करूं, सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था करूं और अच्छा स्वरोजगार उपलब्ध करवाऊं, ये मैं मेरे क्षेत्र के लिए लोगों के लिए करूंगा और यही हमारे क्षेत्र के लोगों की अपेक्षाएं भी हैं। बहुत धन्यवाद, एक बार फिर से बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके इस पूरे कार्यकाल नई सरकार के लिए। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।